दोस्तों आप सोच रहे होंगे बैटरी का भंडारा सा क्यों कर रखा है मैंने। आज आपको मैं ना कई कमेंट का जवाब दूंगा। बहुत सारे बंदे बैटरी से रिलेटेड या चार्जिंग से रिलेटेड जो आप कमेंट करते हो ना, आपको उन सारी कमेंट का जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए आज चार्जिंग के टॉपिक पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि हमारे स्मार्टफोन की बैटरी क्यों फूल जाती है, या फिर कीपैड फ़ोन की बैटरी कह लीजिए ये भी क्यों फूल जाती है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहला कारण तो मैं बोलना चाहूँगा चार्जिंग हैबिट को। कुछ लोग अपने स्मार्टफोन को पूरी रात भर चार्ज में लगा के रखते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझे रोकना चाहेंगे, वो कहेंगे सर आजकल जो बैटरी आ रही हैं, स्मार्टफोन आ रहे हैं काफ़ी एडवांस हो गए हैं, तो इनमें रात भर लगा के भी रखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये बोलने की कोशिश करेंगे, तो मैं उनको पहले बता देता हूँ कि अगर आपका फ़ोन कभी बारिश में भीगा होगा, हल्का सा भी लिक्विड अगर फ़ोन के अंदर गया होगा ना, या फिर आपके फ़ोन के अंदर हाफ़ शॉटिंग होगी, फुल शॉटिंग होती है तो सेट ऑन नहीं होता, अगर हाफ़ शॉटिंग होगी तो सेट ऑन हो जाता है मगर सेट गर्म होने लगता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको रात भर चार्जिंग पे नहीं लगाना है। देखिए इसकी पहचान बताता हूँ, अगर आपका फ़ोन गर्म होता है तो ये हाफ शॉटिंग की पहचान है कि फ़ोन यूज़ करते करते आपका फ़ोन अगर गर्म होता है ना, तो उस कंडीशन में आप रात भर चार्जिंग पे ना लगाएं। और एक और बात बता देता हूँ, अगर आपने अपने स्मार्टफोन का चार्जिंग जैक अगर कहीं लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे चेंज करा लिया है, उसे मैं कन्फर्म नहीं कह सकता कि उसने ठीक तरीके से जैक उसका डाला होगा, क्योंकि आजकल आपको पता ही है 100 में से 50% ऐसे बंदे होते हैं जो नए नए सीखे हुए होते हैं मगर हम पहचान नहीं पाते उनको कि कौन बंदा पुराना है कौन नया है, कि कौन बंदा ठीक से रिपेयर करेगा कौन बंदा ठीक से रिपेयर नहीं कर पाएगा। वो जब चार्जिंग जैक डाल देता है तो वो लोकल चार्जिंग जैक कोई दूसरे किसी मोबाइल का उसमें सेट कर देता है, उसके बाद आपका फ़ोन चार्जिंग तो दिखाएगा मगर जो उसकी जो मीडिएटर जो पिंस होती हैं जिन्हें हम USB पॉइंट भी बोलते हैं या फिर उसको टेम्परेचर पॉइंट भी बोलते हैं, उसके बाद आपके फ़ोन में हीटिंग का इशू आ सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले मैंने बता दिया चार्जिंग हैबिट के बारे में कि रात भर चार्जिंग पे मत लगाना। अब यहाँ पे बात आती है इंटरनेट की कुछ वीडियोज़ की। कुछ बंदे याद हो गए स्मार्ट से बन के भाई साहब, वो बंदे वीडियो बना रहे होते हैं कि रात भर चार्जिंग पे लगा दो कोई दिक्कत नहीं होती इससे, कोई प्रॉब्लम भाई हम तो रिपेयर करते हैं, हम तो कस्टमर को देखते हैं। अब हमारे पास कस्टमर आएगा तो उसके पैसे तो वेस्ट होंगे ना, उसकी बैटरी चेंज होगी और उसके फ़ोन में और भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, है ना। तो ऐसा आप ना कहीं जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो। एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम सारे दिन ये प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। और अपने फ़ोन को है ना हमेशा 20% से 80% के बीच में रखना चार्जिंग को। ये आपकी बैटरी लाइफ बढ़ाने की बातें चल रही हैं, ठीक है। आपने फ़ोन को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन की बैटरी कभी ख़राब नहीं होगी। ये दूसरा कारण ये बताता हूँ आपको मैं टेम्परेचर का। अगर आपका फ़ोन बहुत गर्म या ज़्यादा ठंडे एरिए में अगर आप रख रहे हैं तो उससे भी आपके फ़ोन में बैटरी डैमेज की प्रॉब्लम आ सकती है। और तीसरा कारण आपको बताता हूँ, घटिया चार्जर का यूज़ करना। हमेशा ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करो। ओरिजिनल चार्जर यूज़ करने में भी मेरी दो राय हैं कि मान लीजिए आपका फ़ोन अगर MI का है तो उसमें ओप्पो वीवो का यूज़ मत करो भाई, कि और मेरे पास ओप्पो का ओरिजिनल रखा है और वो लगा लिया मैंने, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उनकी फ़िक्स वोल्टेज है ना, कि उस कंपनी के हिसाब से फ़िक्स वोल्टेज है और MI के चार्जर की अपने हिसाब से फ़िक्स वोल्टेज है। तो आप इन दोनों को मत लगाना, ये मत सोचना कि वो ओरिजिनल है तो और पिन तो मैच कर ही रही है, या तो V8 होगी या फिर वो आपकी Type-C होगी या Type-B जिसे बोलते हैं आप, है ना, Type-B बोलते हैं, C बोलते हैं आप, अलग अलग तरीके से आपने जो नाम दे रखे होंगे। तो पिन का मैच कर जाना ये सही बात नहीं होती, सही बात ये होती है कि आपका अडेप्टर मैच कर रहा है नहीं कर रहा आपके मोबाइल फ़ोन से, ये आगे चल के पता चलेगा आपको। मैं और भी पॉइंट मैंने बनाए हैं आपके लिए। चौथा पॉइंट आपको है ना सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ कि आपके फ़ोन में अगर ज़्यादा ऐप डली हुई है ना तो ज़्यादा ऐप का यूज़ ना करें, जिन ऐप का यूज़ आपके फ़ोन में ना हो रहा हो उसको अनइंस्टॉल कर देना, क्योंकि ऐप पड़ी पड़ी भी है ना आपकी बैटरी खाती रहती है। आउटडेटेड ऐप ये अगर फ़ोन के अंदर पड़ी है तो आप उनको हटा दीजिए, उससे भी बैटरी गर्म हो सकती है। अब पाँचवा कारण बताता हूँ कि फिज़िकल डैमेज भी एक इम्पोर्टेंट कारण होता है। गिरा हुआ या डैमेज फ़ोन भी बैटरी इशू का कारण बन सकता है। सही वोल्टेज के चार्जर को अपने मोबाइल फ़ोन में लगाना। अगर आप सही वोल्टेज का चार्जर नहीं लगा रहे हो तो उससे भी आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है, क्योंकि बैटरी के अंदर लेयर बाय लेयर शीट्स लगी होती हैं, जैसे आपने कार्बन पेपर देखे होंगे उस तरह की, वो एक एक करके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं जब आप हैवी कोई चार्जर फ़ोन के अंदर लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके फ़ोन में 18 वाट का चार्जर सपोर्ट कर रहा है, आप उसमें लगा देते हैं 65 वाट,
है ना, चार्ज तो हो जाएगा मगर वो आपकी बैटरी को डैमेज कर सकता है, इसलिए अपने फ़ोन के चार्जर की वोल्टेज का ख्याल रखें, जितने वोल्ट का उसमें चार्जर लगता हो उतने ही वोल्ट का चार्जर उसमें लगाएं। सातों पॉइंट देखिए मैं आपको बताता हूँ, अक्सर ये होता है कि मोबाइल फ़ोन में बैटरी रखे रखे फ़ोन में फूल जाती है। मान लीजिए हमने फ़ोन रख दिया 6 महीने साल बाद निकाला अलमारी में से और हमारी बैटरी फूली हुई मिली, तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? देखिए इसलिए होता है कि जब आप फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के बाद अगर रख दोगे, उसको ऑफ करके स्विच ऑफ करके बैटरी होगी आपकी चार्ज, आपके फ़ोन की बैटरी यूज़ ना होने के कारण गैस बिल्डअप हो जाएगी और उसके बाद आपकी बैटरी फूल जाएगी। इसलिए अगर आपको आपने कोई नया फ़ोन ले लिया और पुराना फ़ोन आपको बेचना नहीं है, आपको उसे रखना है पुराने फ़ोन को कि इमरजेंसी में कभी काम आ जाएगा, तो आप एक काम कीजिएगा उसकी बैटरी बिल्कुल 0% कर लीजिए, उसके बाद रख देना, बिल्कुल नहीं फूलेगी बैटरी आपकी, ठीक है। बस चार्ज नहीं होना चाहिए उसके अंदर, चार्ज है बैटरी के अंदर और आपने स्विच ऑफ करके उसे अलमारी में रख दिया तो भाई फिर वो अलमारी में पड़े पड़े फूल जाएगा। आठवां पॉइंट ये आता है हमारा कि मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट भी होता है फ़ोन के अंदर, तो आप अगर गारंटी में आपका सेट तो जल्दी ही कराएं। आपने किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन अगर परचेज़ किया है ना और 1 साल की गारंटी उसके साथ है, तो 1 साल के अंदर अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हल्के में मत लिया करो, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। जैसे बैटरी अचानक से 100 थी, एकदम से 40 आ गई, तो आपने दोबारा चार्ज किया वो फिर 2-3 दिन सही चलने लगी, तो ऐसे में आपके सोचते हैं यार वो पता नहीं हो गया होगा कभी, नहीं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को छोटी मत समझा करो, आप फ़ौरन सर्विस सेंटर जाओ कि मेरे साथ ऐसा इशू आया था, तो वो बैटरी चेंज भी कर देंगे आपकी, है ना। वरना ऐसा होता कि आप वेट करते रह जाते हो, गारंटी निकल जाती है, उसके बाद आपको बाहर सेट खुलवाना पड़ जाता है, फिर आपको लोकल बैटरी डलवानी पड़ेगी फ़ोन में। अब आता है एक बहुत ही ज़्यादा खास पॉइंट आपके लिए, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, आप फ़ोन में चार्जर को लगाना निकालना ये आदत अपनी अगर आपने बना रखी है ना, तो इसे भाई बंद कर दो। चार्जर को जब आप इंसर्ट करते हो ना, तो बैटरी के अंदर है ना झटके से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और फिर आप उस चार्जर को लगा रहने देते हो ना, तो वो कंटिन्यूसली गर्म होती रहेगी, धीरे धीरे चार्ज भी होती रहेगी और हल्की हल्की वो हीटअप भी होगी, ठीक है। ऐसे में बार बार हटाओगे तो वो फिर ठंडी होगी, आप फिर लगाओगे फिर गर्म होगी, है ना। चार्जर जैसे लगाते हैं ना, मैं चार्जर लगा फ़ोन दिखाता हूँ, है ना, ये वाला देख लेते हैं। देखो जैसे कि इसमें ये चार्जिंग जैक लगा हुआ है ना, हमने ऐसे चार्जर लगाया, बैटरी ने चार्जिंग पकड़ी, उसके बाद आपने फिर निकाल लिया, थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप जैसे बात कर रहे हो, फिर आपने लगा दिया, फिर हटा लिया, फिर 10 मिनट चार्ज किया, फिर हटा लिया, नहीं भाई उसको है ना प्रॉपर चार्ज होने दिया करो। बार बार हटाने लगाने से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि कभी कभी होता ना कि भाई अरे यार थोड़ी देर व्हाट्सअप चलाना है, चार्ज कर लेता हूँ, आपने फिर वो 20% पे लिया है बैटरी को, उसके बाद फिर चार्जिंग पे लगा दिया, फिर आपने निकाला 10-15 मिनट चार्ज करने के बाद, फिर यूज़ किया, फिर आपने चार्जिंग पे लगा दिया, तो भाई ऐसा ना करें, फ़ोन को आप पूरा चार्ज होने दें एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 80% तो कम से कम भाई कर ही लिया करो चार्ज अपने फ़ोन को, उसके बाद यूज़ किया करो, और 20 से नीचे आने से पहले चार्जर लगा दिया करो। ये कोई खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक खास बात है जो मुझे आपको बतानी थी। जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है ना भाई, स्टार्ट होते वक्त वो ज़्यादा पेट्रोल लेती है और खड़ी रहेगी ना वो 5 सेकंड, तो वो इतना पेट्रोल नहीं लेगी जितना स्टार्ट होते वक्त लेगी पेट्रोल वो। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ सावधानी की तरफ। अगर आपके फ़ोन की बैटरी फूल जाए ना, तो आप सबसे पहला काम तो ये करना कि उसमें चार्जर लगाना बंद कर दीजिए, चार्ज मत करना उसको, किसी भी शॉप पे जाके या सर्विस सेंटर जाके आप बैटरी को चेंज करा लें। ज़्यादा नहीं चलाना उस फ़ोन को, अगर आपको लगता है कि आपका ढक्कन फूल रहा है पीछे से और ढक्कन फटता जा रहा है, तो ऐसे में बैटरी को चेंज करा लेना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। बाकी बहुत सारे बंदे हैं ना आपको सलाह भी देते हैं, कोई दुकान वाले मैं आपकी बैटरी ठीक कर दूंगा, उसमें पंचर कर देते हैं, भाई पंचर करने से वो दोबारा गैस बिल्डअप होगी, उसके बाद फिर तगड़ी वाली आग लगेगी उसमें। इसलिए मैंने एक वीडियो में बताया भी था कैसे इसकी गैस निकाली जाती है, मगर वो चीज़ सही नहीं होती भाई, मैं गलत बातें आपको नहीं बताना चाहता कि आप कोई घर में नुकसान कर लो अपना, आग लग जाती है भाई उससे। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि जितने भी फ़ोन आप यूज़ करते हो ना, हर तरह के फ़ोन के अंदर गैस बिल्डअप हो जाती है बैटरी के अंदर, ये आईफोन की है, इसके अंदर भी ये भी फूलती हैं, MI वगैरह, ओप्पो, वीवो, कोई सी भी बैटरी हो सारी फूलती ज़रूर है, अगर ये गलतियाँ आप करते हो तो, जो मैंने वीडियोज़ में बताई है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका कोई कमेंट है, कोई बात मुझसे छूट गई है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं।